सर जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जहाँ पे मैंने सबसे पहले एयरक्राफ्ट इंजन्स के डिजाइन पे काम किया। अभी वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उसके एयर कंप्रेसर पे मैंने काम कर रखा है, एयरक्राफ्ट के इंजन पे। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचन एवी रिकॉर्डेड। आज मेरे साथ है मेरे यूट्यूब चैनल पे विनोद दसूलिया। ही इज माय कॉलेज जूनियर बट अ वेरी स्मार्ट कैंडिडेट। ही वाज जूनियर कैडेट कैप्टन इन स्पोर्ट्स, ही वाज कैडेट कैप्टन इन स्पोर्ट्स, ही वाज एससीसी इन स्पोर्ट्स, वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। आप बोलिए वाज अ गुड मैराथन रनर, यस। आप बोलिए स्पोर्ट्स में वाज इनटू स्प्रिट, यस। आप बोलिए वाज गुड इन स्पोर्ट्स, यस। फुटबॉल खिला लीजिए, खेल लेंगे, वॉलीबॉल खिला लीजिए, खेल लीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट विनोद वाज, अब आपको सुन के अच्छा लगेगा, आईईएस में इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 थी, गेट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, यस, गेट में ऑल इंडिया रैंक 1, इसरो में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 अर्जित करी थी, आईआईएससी से इन्होंने एमटेक करी 2015 में, एंड देन ही जॉइन जनरल इलेक्ट्रिक, वर्क देयर फॉर 6 इयर्स, एंड देन टुडे ही इज एन एंटरप्रेन्योर कम वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच आई डेफिनेटली डू नॉट वांट टू रिवील, एंड आल्सो एन एजुकेशनिस्ट टुडे। सो आई वेलकम यू विनोद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद आपकी लाइफ टाइम के ऊपर, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, जहाँ मतलब बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है सर। इट इज सबसे पहले सो गुड शुरू टू करते सी। यस सर। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉलेज की जर्नी से। जब तुम कॉलेज में गए थे, स्कूल में भी तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, या कॉलेज में जाके ही तुमने एक्सप्लोर करना शुरू करा कि मैं मैराथन में भी रैंक लाता था, मैं फुटबॉल भी खेल लेता था। आई नो, मुझे लगता है तुम डिफेंडर थे या मिडफील्डर थे, मुझे नहीं पता, बट फाइनल थर्ड ईयर में हम तुम्हीं से हारे थे सेमीफाइनल में, मुझे आज भी याद है। मार्कनी वर्सेस बोस और हम हार गए थे, मुझे आज भी याद है, नहीं मैं आज सर, भी। मैं सैनिक स्कूल में था, जो कि मिलिट्री स्कूल अजमेर है बेसिकली, जिसको जनरली मिलिट्री स्कूल को लोग जानते नहीं है, बट सैनिक स्कूल को जानते हैं। सो वहां पे भी सर मैं बहुत खेलता था, तो स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड तो मेरा कॉलेज में आने से पहले ही था, और वही फर्स्ट ईयर में आते ही सब लोगों ने देखा था कि यार ये बंदा ठीक ठाक खेल लेता है। तो फिर राजपूत सर थे अपने, उन्होंने मेरे को ले लिया था बोस में, फुटबॉल की टीम में। एंड देन सिकर सर थे, जो कि वॉलीबॉल में, उन्होंने देखा कि यार ये वॉलीबॉल भी अच्छा खेलता है, तो उन्होंने भी ले लिया था। और वैसे मतलब इसी टाइप से कॉलेज में शुरू हुआ था, एंड रेस्ट तो आप जानते ही हैं सर। नहीं, जानता हूँ कि यार हर चीज में तुम थे, तुम मैराथन, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट। अच्छा एक चीज और, तुम उन फ्यू लोगों में से थे जो कि कॉलेज में फ्रॉम जेसीसी टू जेसीसी से पहले फर्स्ट ईयर में क्या बोलते हैं, एलसीसी एलसीसी, लीडिंग कैडेट कैप्टन से जेसीसी, फिर सीसी, फिर एससीसी, तुम थ्रू आउट रहे। जैसे कि हमारे बैच के मिथुन पालेवार थे, वो भी स्पोर्ट्स के थ्रू आउट रहे, तुम रहे। ऐसी क्या क्वालिटी थी तुम में यार, कि मतलब तुम्हें हटाया ही नहीं गया? और ऐसा नहीं है कि हटाया नहीं गया तो दैट वाज बिकॉज यू आर वेरी डियर टू योर कॉलेज प्रोफेसर्स ओनली, बट इवन योर जूनियर्स रिस्पेक्टेड यू। व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट कनेक्टेड, बिकॉज आई वांट दिस कॉलेज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम दिस। नहीं सर, मुझे लगता है कि अपने कॉलेज में जो एक चीज होती थी कि यार सबसे अच्छे से बात करके रहो, सबसे अच्छे मिलके रहो, मतलब सबसे अच्छे टर्म्स पे रहो, किसी से लाइक डोंट हैव सम ग्रज, पर्सनल ग्रज और समथिंग लाइक दैट। तो वैसा मेरा जूनियर्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता था, एवरीथिंग वाज फॉर्मल, आई वाज वेरी लीनियंट। और मेरा ये भी नहीं होता था कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे सीनियोरिटी का एहसास हुआ था, बिकॉज हम तो 6th क्लास से ये देखते थे कि सीनियर क्या होता है, जूनियर क्या होता है। सो वी हैव बीन थ्रू दैट फेज कि जब हम जूनियर भी रहे तो जूनियर को कैसे एक बिहेव करना है, और जब वो सीनियर हो जाए तो उसको कैसे बिहेव करना है। सो दैट थिंग आई न्यू, तो मुझे पहले से ही मतलब पता था कि बीइंग इन सीनियोरिटी जूनियरिटी, आपको कैसे, यू हैव टू रेस्पेक्ट एंड हाउ यू हैव टू गेट रेस्पेक्ट। तो दैट ड्रीम, वाज आई थिंक मैं ऑलरेडी उसमें था ही। वेरी वेल सर। सो नाउ विनोद, आई एम गेटिंग ऑल दिस। इवन मिथुन पालेवार सर भी मेरे ख्याल से, मुझे याद है कि सैनिक स्कूल या नवोदय किसी कॉलेज के तो थे, किसके थे वो, नवोदय से थे, नवोदय से नवोदय थे। कॉलेज, नवोदय वहां स्कूल पर से भी ये थे। चीज बहुत कॉमन रहती है, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। तो जो हमने कॉलेज में आके सीखना शुरू करा वो पहले से जानते थे, जो कि आपको हेल्प कर रहा था, मैं राइट? वेरी राइट राइट सर, राइट। वेल सर। तो अब ये बताओ विनोद, तुमने चेलाराम में तुमने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स किए, यू वर अ फोर्थ इंजीनियर देयर, देन यू ज्वाइन एंग्लो, यू वर अ फोर्थ इंजीनियर देयर। सेलिंग में क्या क्या सीखा तुम्हें, क्या अच्छा लगा तुम्हें सेलिंग के पार्ट का?
सर मैं कहूँ तो लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो सेलिंग ही था। जितना मैंने सीखा है, इनफैक्ट आज तक मोर देन 80-90% जो टेक्निकल नॉलेज मिली है वो तो सेलिंग से ही मिली है। दो हमने कॉलेज में थ्योरी पढ़ी थी, बट उसका जो प्रैक्टिकल देखने को मिला है, लाइक इंटरनल कम्बशन इंजन आप पढ़ते हो, वहां पे आप एक्चुअली में देख रहे हो, एयर कंप्रेसर्स पढ़ रहे हो वो देख रहे हो, पंप्स देख रहे हो वो पढ़ रहे हो, हाइड्रोलिक मशीन, क्रेन्स, दो इन सब की थ्योरी नहीं पढ़ी थी, बट व्हेन यू गो ऑन शिप एंड व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग दीज इंजन्स और डिवाइसेस, उस टाइम आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। तो सर मुझे तो लगता है कि वो 3 साल जब शिप पे थे हम, दैट वाज अमेजिंग रिमार्केबल फेज। और शायद उसी फेज की वजह से ऐसा हुआ कि जब मैंने शिपिंग छोड़ के फिर गेट और इन सब पे एग्जाम लिखा था, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये तो ऐसे ही होता है, मुझे थ्योरी वगैरह सीखने में दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था लाइव मैंने आईसी इंजन देखा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर उसका अगर थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको पता ही है। सो दैट वॉज अमेजिंग पार्ट, लाइक इंजन का जो भी था। अच्छा, मर्चेंट नेवी के अंदर, मर्चेंट नेवी जब अच्छा एक्सपीरियंस है तो मर्चेंट नेवी छोड़ने की सोची क्यों? लाइक यू डिड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स विद चेलाराम, देन यू जॉइन एंग्लो, यू डिड 1 कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू लेफ्ट सेलिंग। सर सेलिंग छोड़ने का एक मेन जो रीजन मेरा था वो ये था कि जब 3 कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे तो फिर थोड़ा सा मोनोटोनस लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था यार हम सिर्फ मेंटेनेंस जॉब कर रहे हैं, देर इज नथिंग थ्रिल, कुछ ऐसा नहीं है। और मुझे हमेशा से लगता था कि यार आई हैव टू गो इन टू डिजाइनिंग, जहां पे आप नए कंपोनेंट्स बनाओ, नई चीजें सीखो, नया कुछ करो। वहां पे मेरा इंटरेस्ट था, एक बार मतलब शायद मैंने आपको बताया भी है, इसरो में जाने का मेरा बहुत इंटरेस्ट था, टू डू रिसर्च इन इसरो। तो उसको मैं एक प्राइम वो देखता था कि आई हैव टू ज्वाइन दैट, और उसी के लिए मैंने सेलिंग भी छोड़ी थी। ओके, सो इन 2012 आपने आईईएस और गेट दोनों का एग्जाम दिया, और आईईएस में आपकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई और गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, एक साल, एक ही साल में। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतना खतरनाक रिजल्ट फोड़ दोगे कि आईईएस में रैंक 4, गेट में रैंक 1? सर जब स्टार्ट किया था तब इतना उम्मीद नहीं था कि फर्स्ट रैंक ले आएंगे, बट ये उम्मीद था कि यार आई विल बी इन टॉपर्स, मतलब क्लियर कर लेंगे। क्योंकि जब सब बच्चे करते हैं, अगर कोई फर्स्ट रैंकर आता है तो वो फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है, वो भी नॉर्मल बंदा ही है। हमें एक एडवांटेज था कि हम तो 3 साल एक्सपीरियंस भी लेके आ चुके हैं, हमने ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, हमें सारी मशीन्स पता है और उसी के बारे में हम एग्जाम भी लिखने वाले हैं। तो मेरे पास एक एडेड एडवांटेज था जिसके कारण मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं यार मैं आराम से क्रैक कर लूंगा इसको। सो स्टार्टिंग में नहीं था, बट एज आई वाज गोइंग थ्रू मुझे ये हो गया था कि नहीं यार आई विल बी इन टॉपर्स। मैं लोगों को क्लियर कर दूं कि प्लीज डोंट गो बाय सिंपल वर्ड्स। ही वाज अ रैंकर इन कॉलेज विद ऑल दी कॉलेज अथॉरिटीज के, उसमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए, टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, सो ही इज स्मार्ट आउट हेयर, मतलब मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अब ये बताओ मुझे कि जब आप ये तैयारी कर रहे थे तो बहुत खतरनाक तरीके से 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते थे या एक नॉर्मल पढ़ाई होती थी? सर उतनी खतरनाक नहीं होती थी, मतलब वो खतरनाक तो लास्ट के 2-3 महीने में ही हुई थी जब पूरे दिन पढ़ाई करते थे, अदरवाइज तो नॉर्मल ही था, जैसे 7-8 घंटे 9 घंटे पढ़ लिया तो नॉर्मल उसी से हो जाता था। अगर आप नॉर्मल था, सात इफेक्टिवली आठ अगर घंटे सर नौ पढ़ घंटे पी लिया। नहीं इफेक्टिवली अगर आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशियंट, क्योंकि जनरली लोग टाइम वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है यार मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ। अगर आप 14 घंटे में से टाइम वेस्ट किए बिना ही इफेक्टिवली अगर 6-7 घंटे निकालेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट, आई एग्री। अच्छा, जब आईएएस में रैंक 4 आई और गेट में रैंक 1 आई, तो डिसाइड करना मुश्किल हो गया होगा यार, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, तो कैसे डिसाइड किया कि ये करेंगे हम? ये सर बहुत बड़ा ये था, मतलब डायलमा था कि क्या ज्वाइन करें। तो दो सर इसमें एक पॉजिटिव चीज ये थी कि आईएएस की जो ज्वाइनिंग आती है वो 2013 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, आपके अराउंड 1.5 ईयर के बाद में ज्वाइनिंग आई थी मेरी, जब मैंने पेपर लिखा था उसके। तो मैंने ये मेरे को पता था कि आईएएस की ज्वाइनिंग लेट आएगी तो आराम से मैं एमटेक कर सकता हूँ, और जब तक मेरी एमटेक खत्म होगी तब तक जो आईएएस की ज्वाइनिंग आ जाएगी और फिर मैं आईएएस ज्वाइन कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। बट देन जब ओके, एमटेक कर रहे थे तो फिर लगा कि नहीं यार आईएएस नहीं ज्वाइन करने का भी एक ये है, आप दूसरी तरफ जा सकते हो, डिजाइनिंग में जा सकते हो, तो फिर मैंने वो चूज किया सर। तो
आपने सोचा एमटेक करते हैं आईआईएससी बैंगलोर से, इस बीच में अगर एमटेक भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं अगर मुझे लगेगा आईईएस ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन बीच में आपने बोला था कि आप इसरो भी ज्वाइन करना चाहते थे, तो फिर जब आपने इसरो दिया 2014 में आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 33 इसरो में, तो फिर इसरो ज्वाइन किया जो कि आप पहले सोचते थे कि मुझे रिसर्च में जाना है, शायद आज आप हमारे लिए देश के लिए कुछ बहुत बढ़िया काम बना रहे होते, क्यों? सर अगेन ये थोड़ा सा मतलब डायलमा सा ही हो गया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने फर्स्ट ईयर खत्म कर लिया था आईएसटी बेंगलोर का, तब मेरी इसरो की ज्वाइनिंग आई थी, तो उस टाइम मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं इसरो जाऊं या फिर अपना आईएससी छोड़ दूं, तो मैंने आईएससी के प्रोफेसर जो मेरे गाइड थे मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि यार देखो अगर इसरो आपको एक्सटेंशन देता है एक साल का तो आप इसरो से पूछ लो, तो मैंने इसरो से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन करो, आपको एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर इन अ नीड ऑफ मैन पावर, तो जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको एमटेक छोड़ना पड़ेगा। तो देन मैंने अपने गाइड से बात किया तो उन्होंने बोला कि यार ये डिसीजन अच्छा डिसीजन नहीं है बिकॉज तुमने ऑलरेडी अपना कोर्स वर्क खत्म कर लिया है, अब एक साल ही बचा है और आईएससी में वैसे भी एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है, आप एक बार आ चुके हो तो इसको इसको छोड़ के मत जाओ, इसरो के लिए दोबारा से ट्राई कर लेना बिकॉज हो अगली बार भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो अगली बार भी रिटर्न निकल जाएगा, अगली बार भी इंटरव्यू हो ही जाएगा, तो इसलिए तुम ये आईएससी को मत छोड़ो। देन आई वाज कन्विंस्ड कि यार बात तो सही है कि आईएससी को छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसरो का तो अगली बार भी आएगा तो उसमें मतलब दे सकते हैं। ओके बट वो अगली बार कभी आई नहीं, आपने दोबारा कभी इसरो का दिया नहीं आईएएस? वो अगली बार आया नहीं बिकॉज उसके बाद में मैंने जी ज्वाइन कर लिया और जी में जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी दैट वाज वेरी गुड सर, सो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब इसरो नहीं ज्वाइन किया, तो अब लगता है कि यार शायद ज्वाइन कर लेते, बट ठीक है इट्स ओके सर मतलब नो रिग्रेट। पास्ट में जाते हैं तो जो आपके पास तीन ऑप्शन थे आईएएस आईआईएससी बैंगलोर एमटेक जो कि आपने किया और इसरो ऑल इंडिया रैंकिंग, इनमें से व्हिच वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस? नहीं सर मुझे मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैंने आईआईएससी से क्यों एमटेक किया बिकॉज़ आई ऑलवेज फील कि दैट इज द बेस्ट पार्ट दैट आई डिड, अगर मैंने इसरो नहीं भी ज्वाइन किया तो भी आई डोंट रिग्रेट बिकॉज आईआईएससी का जो वहां पे पढ़े दो साल में जो नॉलेज गेन किया दैट इज रिमार्केबल, सो मुझे कभी नहीं लगता कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन और अभी भी मुझे आई स्टिल फील कि नहीं आईएससी इज अ बेटर ऑप्शन, तो आपको सर्टेनली जाना चाहिए। ओके ग्रेट, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, जीई ज्वाइन किया आपने और वहां पर आपने 6 साल जॉब करी 2015 से लेकर 2021 तक, आप इस जॉब के दौरान आपकी जर्नी कैसी रही, हाउ वाज योर जर्नी ड्यूरिंग दिस टाइम? सर जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जहाँ पे मैंने सबसे पहले एयरक्राफ्ट इंजन के डिजाइन पे काम किया, अभी वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है उसके एयर कंप्रेसर पे मैंने काम कर रखा है एयरक्राफ्ट के इंजन पे, सो वो इंजन हम ही लोगों ने डिजाइन किया है बेंगलोर में पूरी जी की टीम ने, उसके बाद मैंने 4 साल सर स्टीम टर्बाइन्स बनाए हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था बिकॉज वी यूज टू वर्क ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट इंडिया में इंडिया का दैट इज गोइंग टू बी अ लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ इंडिया जो कि 2025 में बन के रेडी होगा, तो उसकी डिजाइनिंग हम कर रहे थे तो सर आई वॉज वर्किंग ऑन दैट, सो आई मस्ट से कि वो एक्सपीरियंस रिमार्केबल है जबरदस्त। यार हम तो सोचते रहते हैं मेंटेनेंस, बट ये चीज जानना चाहता हूँ मैं, फिर 2021 में आफ्टर 6 इयर्स वर्किंग विद जीई व्हाई डिड यू क्विट जीई? सर आई थॉट ऑफ लाइक स्टार्टिंग समथिंग ऑफ माय ओन, तो आई एम वर्किंग आई एम वेंचरिंग इनटू दैट, तो उसी को सोच के बिकॉज दो आई हैव गुड एक्सपीरियंस और टेक्निकल एक्सपीरियंस अच्छा था, but then always to have a company of your own that is something different, so isliye I decided ki chalo usko chhodte hain and then let's do something else. Entrepreneurship pe keeda hai, I completely understand, ye agar kaat jaye to then it becomes very difficult to usse bahar nikal pana. My best wishes Vinod, matlab bas ek cheez dhyan rakhna ki
जस्ट बी परसिस्टेंट एंड आई नो हु एम आई टू टेल यू। तुम तो यार यहाँ जाते हो, जय माता दी करते हो, मुझे पता है यहाँ पर भी देर सवेर तुम बिल्कुल छोड़ दोगे। इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, यू नो कि व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव मरीन इंजीनियर्स आउट हियर, जो कि हमारे कॉलेज से आसपास से, कि अगर कोई शिपिंग छोड़ना चाहता है, अगर कोई शिपिंग छोड़ना चाहता है तो हाउ शुड दे गो अबाउट दिस जर्नी, मतलब हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर इट, मतलब आर दीज गुड ऑप्शंस एंड इफ यस देन हाउ दे शुड गो अबाउट इट। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो थोड़ी सी नेगेटिविटी थी हमारे टाइम में कि शिपिंग छोड़ देते हैं, बाहर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है आज का टाइम थोड़ा सा उल्टा है, ऐसा नहीं है। शिपिंग इज अ गुड करियर नाउअडेज, जब से शिप पे इंटरनेट आया है, यू हैव एक्सेसिबिलिटी, यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, तब से आई फील शिपिंग लाइफ इज वे बेटर, इट हैज चेंज्ड अ लॉट। तो आज आपको शायद जितने भी मरीन इंजीनियर्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं शिपिंग छोड़ देता हूँ और फिर बाहर आके कुछ अच्छा कर लूंगा। अगर आप शिपिंग में कंटिन्यू करते हो तो देन इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप 8 साल 10 साल तक कर सकते हो व्हेन यू बिकम चीफ इंजीनियर, उसके बाद में टू गेट स्टेबिलिटी इन लाइफ आप शिपिंग छोड़ सकते हो। और शिपिंग छोड़ के आने के बाद में लाइक वंस यू आर चीफ इंजीनियर तो उसके बाद में आपके पास में एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर रेडी टू टेक यू एज टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट या फिर टेक्निकल एडवाइजर्स, वो आपको ले सकते हैं। बिफोर चीफ इंजीनियर मत छोड़ना आप, बिकॉज जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जब बाहर आते हो तो आपको चीफ इंजीनियर ही वो मांगते हैं, जब उनको चीफ इंजीनियर अवेलेबल है तो वो फोर्थ इंजीनियर थर्ड इंजीनियर को क्यों लेंगे। सो बेटर है कि आप चीफ इंजीनियर बन के ही छोड़ो, बिकॉज इट इज वेरी लेस टाइम, 6-7 साल में आप चीफ इंजीनियर बन जाओगे। तो वैसा होने के बाद में देन यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके विनोद, आई हैव टू से ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। 2012 के बाद बहुत कुछ बदल गया शिपिंग में विनोद, आई हैव टू अपडेट यू। 6-7 साल में आप चीफ इंजीनियर नहीं बनते, वो हमारे टाइम पे था कि फटाफट प्रमोशन लो, और तुम्हारे ऐसे लोग जो फटाफट क्लास 4 क्लास 2 क्लास 1 क्लियर कर दे, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट आज एक कैप्टन बनने के लिए, चीफर बनने के लिए बल्क कैरियर पे कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं, 10 से 12 साल टैंकर में, 12 से 14-15 साल एक एलएनजी कैरियर पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग विनोद, कि मैं ना ये मार्शलॉस लॉ ऑफ हायर की पढ़ रहा था, तो उसके अंदर बहुत सिंपल है यार मेरे दोस्त, की इंटरनेट वो चीज नहीं दे सकता जो की फैमिली के साथ रह के मिलती है। तो एक बार जब वो पैसे की नीड कवर हो जाती है ना, आदमी सोचता है नहीं यार अब शिपिंग नहीं करनी चाहिए, अब कुछ और करें। तो इसीलिए चले जाएंगे 7-8 साल के बाद में सर, 10 साल के बाद में maybe. But 10 साल तक तो you are still young, not having much of the family needs. यार मैं तो बहुत लेट, अभी 14 साल हो गए और अभी मैं ऐसा नहीं बोलता मैंने छोड़ दी है। But what I want to say is कि grass is always greener on the other side. ये लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे तुम हुए कि 3 कॉन्ट्रैक्ट किए, तुम्हें लगा यार स्टैग्नेंट है यार, ये तो सिर्फ मैं वही कंप्रेसर खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है सीखने को। ऐसे कुछ लोग होंगे जो कुछ ऐसे चैलेंजेस चाहेंगे, so that is why journey is important. कुछ हमारी तरह मैंगो पीपल होंगे, चलो यार चला रहे हैं, पहले चीफर बनते हैं फिर करना चाहेंगे, वो भी है। सो अलग अलग तरह के लोग हैं, जर्नी सबकी सेम है, सबने आगे जाके मिलना है भाई, एक ही जगह जाना है, जय माता दी। Persistent and keep learning. Am I right? Right, sir. So Vinod, my last question to you is, you have worked in corporate sector, you have worked in marine engineering, maritime sector as well. Where do you feel के कॉर्पोरेट सेक्टर में चैलेंजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू मैरिटाइम फील्ड? सर कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है लाइक यहाँ पे आपको डे इन डे आउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, कि आपके अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको मैनेज करना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है ये आपको देखना है। जैसे शिप पे भी ये होता है सर, चीफ इंजीनियर होता है उसको पता है कि मेरे इंजीनियर से मुझे मेंटेनेंस करवाना है, तो वहां पे एवरीबडी नोज कि यार मुझे ये काम करना ही है, 6 महीने तक मेरे को यहाँ पे रहना ही है, मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो कोई और नहीं करेगा, एंड ही इज बाउंड टू डू इट। अगर वो नहीं करेगा तो अगले पोर्ट पे उसका साइन ऑफ हो जाएगा एंड देन लाइक ही कैन नॉट रेजिस्ट। बट कॉर्पोरेट में बाहर आके सर थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आप डायरेक्टली अपने सबॉर्डिनेट्स को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि काम करो अदरवाइज मैं फायर कर दूंगा, बिकॉज
lot of people are available, they will be hired, they have lot of opportunities, वो बाहर भी चले जाएंगे, दूसरी कंपनी स्विच कर लेंगे, and ultimately it will be difficulty on your part की एक बंदा छोड़ के चला गया जिसको आपने groom किया था. So corporate में बाहर आके there are lot of challenges as well, इतना आसान नहीं है जितना लगता है. Like when I still say कि we used to earn so much of salary in marine engineering, तो people they still say कि यार इतना तो हमारा GM नहीं कमाता है जितना तुम कमाते थे. So that is a different story. और ये लोग like after 20 years of experience they earn so much of salary that you might be probably earning after 5 years. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो बहुत कहा जाता है आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरीज बहुत ज्यादा हैं हम लोगों के मुकाबले, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं एक जनरल, हमारे जीएम की सैलरी उस टाइम पे कितनी थी, जीएम की सैलरी जिसके नीचे? दैट इज नॉट ट्रू सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप सैलरीज का कंपैरिजन करेंगे तो द सैलरी दैट यू गेट और सैलरी जो बाहर आपको कॉर्पोरेट में मिलता है उसमें 1:3 का रेशियो देख लो सर आप. तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो होगी दैट विल बी 60,000 एट मैक्स. 60,000 और 60 पे भी आपको मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है सर. 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक चीफ इंजीनियर जो मैं बनता हूँ 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मेरी सैलरी से आज की डेट में 8 लाख रुपए है और मैं साल का 48 लाख रुपए कमाता हूँ. तो यहाँ पे सर आपको 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद में 20 लाख इज ऑन एवरेज. उसमें कटेगा जरूर सर, 20 लाख से नहीं है, 20 लाख 15-16 लाख रुपए हाथ में आएगा, 15-16 लाख रुपए. उसके अंदर आप अपने शहर में नहीं रह रहे, आप रह रहे हो बैंगलोर में या यहाँ पर जहाँ पर खर्चा भी है और बचेगा बहुत है. बिल्कुल, ये चीज आप मानते हो? बिल्कुल. तो ये जो इतनी हवा उड़ी पड़ी कि हम लोग क्या करते हैं मरीन इंजीनियर्स या मर्चेंट नेवी वाले लोग, हम लोग ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड और देखते हैं वो 1.5 सीआर का पैकेज, 2 सीआर का पैकेज विदाउट इवन थिंकिंग कि वो यूएस में मिल रहा है, इंडिया में नहीं मिल रहा है. वो सर पैकेज सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है जिस जो न्यूज में आता है. उसके अलावा जो बाकी 8 लाख 9 लाख इंजीनियर जो हर साल निकलते हैं, उन 8 लाख इंजीनियर्स में से हार्डली 800 गेट दैट टाइप ऑफ पैकेज. रिमेनिंग जो 7,99,000 है दे एंड अप लाइक टीसीएस जो कि 3 लाख का आपको पैकेज देता है सीटीसी. So that is always like something different, sir. तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि we are on a good side, but और फिर कुछ ना कुछ options, opportunities ढूंढते रहो. अगर जब तक कि कुछ purpose नहीं मिलता life का कि यार ये मुझे करना ही करना है, या entrepreneur का bug नहीं काटता जैसे कि विनोद को काटा हुआ है, मुझे काटा हुआ है सर. जैसे इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा था सर कि it is not a wise decision to leave shipping now. Now, see, now you are saying that when you have left shipping, see, you, अभी तुम्हें 10-12 साल तुमने corporate sector को देख लिया है, और मुझे लगता है कि corporate sector में एक और चीज़ है, हमारे sector में चले गए कि आपने CTM complete किया, आप आगे बढ़ते चले गए, जो कि कहीं अच्छा भी और बुरा भी है, क्योंकि आप काम में अच्छे हो या नहीं हो, लेकिन आपका CTM complete है, आपने कर लिया, तो चाहे मत ही आगे बढ़ जाओ. लेकिन corporate sector में तो यार, I think so कि आपको अपने बॉस को भी खुश करना है, अप्रेजल मैटर करेगा, एनुअल अप्रेजल पता नहीं कैसा आता है. हैव यू एवर सफर्ड बिकॉज़ ऑफ दिस कि यू हैव वर्क्ड वेरी हार्ड बट ये बहुत होता है सर कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये बहुत होता है. इवन इफ यू आर अ वेरी गुड एट वर्क, इट माइट हैपन दैट यू डोंट गेट अ प्रमोशन एंड समबडी हु इज नॉट गुड एट वर्क ही विल गेट द प्रमोशन. दिस इज वेरी लाइकली. और कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और ये सब तो चलते ही रहता है सर. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने पर्सनली फेस किया, बट क्या आपने पर्सनली देखा है किसी के साथ होते हुए? यस सर, इट हैपेंस, इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है. तो वो जो बंदा जो कि इसने मेहनत करी वो तो बिल्कुल शैटर हो जाता होगा, यार मैं कहां, यार कहां आ गया, माय वर्क इज नॉट बीइंग वैल्यूड. सर अगेन आई वुड से वन ऑफ द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन स्लो. So probably somebody who is good at tackling the people. That's why I say HR is very important, even important than technical. आप technically कितने भी sound हो, but आप HR में sound नहीं हो, तो probably you will not be able to survive. With this, thank you, Vinod, for sharing this experience with us. Because at the end of the day, we need to realize where we stand. सिर्फ वो करोड़ों के पैकेज देख के जो कि US UK में, even I am just sharing it with you.
2019 के डेटा में विनोद, यू नो हाउ मेनी सैलरीड पीपल इन इंडिया वर गेटिंग अ पैकेज अबव 1 crore? एनी गेसेस? इट विल बी वेरी लेस सर. अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट नंबर. पूरी कंट्री से डॉक्टर्स, सीएस, इंजीनियर सब मिला के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सब मिला के, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोगों का सैलरी, लोगों का पैकेज वुड बी अबव 1 crore? 1 lakh लोग होंगे सर, उससे ज्यादा नहीं होगा. कम करो वही, कम करो, कम करो, तुम हैरान रह जाओगे. कम करो नंबर, मे बी 10,000. कम करो, थाउजेंड्स. थाउजेंड्स में नहीं, कितने थाउजेंड्स? 4,000 लाख से कम करो. 2,200 सैलरीड एम्प्लॉइज इन 2019 फाइल्ड फॉर अ पैकेज विच वाज मोर देन 1 crore, एंड टैक्स डिडक्शन के बाद 60 lakhs इसके बाद, जो कि आपका लिविंग कॉस्ट वगैरह मेंटेन करेगा, हाथ में अगर 40-45-48 lakh बच रहा है, जो कि ज्यादा बोल रहा हूँ, उतना ही जहाज का कैप्टन, बल कैलियर जहाज का कैप्टन 6 महीने में कमा ले रहा है पूरी नेट सेविंग्स के साथ. ट्रू सर, ट्रू सर. तो हम लोग इसकी वैल्यू नहीं करते ना जयवान. अरे उसका वहां पर करोड़ों का पैकेज है, एंड दिस इज वेयर आई थिंक सो कि वी नीड टू फाइंड दोस इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड थैंक आवर प्रोफेशन. यस, प्रॉब्लम्स है, फैमिली से दूर रहना एक बहुत बड़ा दिक्कत है. स्टैग्नेंसी इज एक बड़ा प्रॉब्लम, स्टैग्नेंसी इज एन इशू, बट मनी वाइज वी आर आई थिंक सो इन अ गुड स्टेट. डू यू अग्री? ट्रू सर, ट्रू सर. सो थैंक यू विनोद फॉर ज्वाइनिंग अस. Thanks a lot for sharing your experience, and your journey has been remarkable. And I wish you all the best for your entire journey, my friend. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.